सो गाइस बात करेंगे एंड्रॉयड 12 अपडेट के बारे में। दोस्तों बहुत जल्द एंड्रॉयड 12 का अपडेट आने वाला है कई सारे स्मार्टफोन के अंदर। और दोस्तों गूगल ने अनाउंस कर दिया है और दोस्तों कुछ कंपनीज और कुछ फोन्स के अंदर एंड्रॉयड 12 का अपडेट कब तक मिलेगा तो दोस्तों वो भी अनाउंस कर दिया है गूगल ने। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा एंड्रॉयड 12 का फर्स्ट लुक कैसा देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 12 का। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें यार। वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो बने आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों एंड्रॉइड 12 के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। उस वीडियो के अंदर बताया है कि कौन सी स्मार्टफोन के अंदर कौन सी कंपनी अपने स्मार्टफोन के अंदर एंड्रॉइड 12 का अपडेट लेके आएगी। तो दोस्तों एक बार वो वीडियो जरूर से आप चेकआउट करें, मैंने आई बटन पे वो वीडियो दे रखा है और उस वीडियो में देख लीजिए क्या आपके स्मार्टफोन के अंदर एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिलेगा या फिर नहीं। तो दोस्तों जल्दी से बात करते हैं एंड्रॉइड 12 के फर्स्ट लुक के बारे में। तो यहां पर सबसे पहले जो आपको होम स्क्रीन देखने को मिलेगी, तो दोस्तों प्राइवेसी इंट्रक्शन के अंदर तो आपको कुछ इस प्रकार से आपको होम स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहां पर आप दो फोटोज देख रहे हैं, इस फोटोज में आपको जाहिर से आपको समझ आ रहा होगा कि इस तरह से आपको होम स्क्रीन देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे की तरफ बात करेंगे दोस्तों आपको नोटिफिकेशन बार कैसे देखने को मिलेगा। तो नोटिफिकेशन बार अगर आप डाउन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके नोटिफिकेशन वगैरह सारे यहां पर देखने को मिलेंगे। यहां पर जो भी आपके नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह आएंगे वो सारे यहां पर ऐसे कुछ देखने को मिलेंगे। बात करते हैं दूसरे और बारे में, तो यहां पर आपको जो भी एप्लीकेशन की सेटिंग्स होती हैं वो डायरेक्टली आप नोटिफिकेशन बार से ही आप एप्लीकेशन की सेटिंग्स को सही कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आगे बेटर थीम, यानी कि थीम का ऑप्शन आपको मिलेगा, यानी कि थीम अपने हिसाब से आप थीम के अंदर कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर यानी कि डार्क कलर के अंदर और यहाँ पर ग्रीन कलर के अंदर आपको थीम देखने को मिल रही है। और भी आप अपने मर्जी के मुताबिक कलर को चूज़ करके अपनी थीम लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक बार फिर से यहाँ पर नोटिफिकेशन का फोटोज़ और देखने को मिला है। अदर आपको और भी यहाँ पर कई सारे फ़ोटोज़ देखने को मिलेंगे नोटिफिकेशन से रिलेटेड ये है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आपको एक सपोर्ट और देखने को मिलेगा जो सबसे अच्छा है, स्क्रॉल स्क्रीनशॉट, यानी कि दोस्तों आपको जितना भी बड़ा स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा स्क्रीन शॉट का स्क्रॉल करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उस ऑप्शन से आप स्क्रॉल करके आप जितना बड़ा स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं वो सारा स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप उसको जूम करके देख भी पाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों अगला फीचर है दोस्तों ऐप पेयर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि आपको सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड के अंदर भी यहाँ पर एक अलग एप्लीकेशन रन कर सकते हैं और इधर आप एक अलग एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, तो ऐप पेयर का ऑप्शन भी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक नया ऑप्शन और देखने को मिलेगा, RCS मैसेजिंग का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो GIF होती हैं या फिर दोस्तों आप किसी प्रकार की GIF आपको जो भी मैसेजिंग टाइप करेंगे तो आपको GIF देखने को मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। तो दोस्तों यही कुछ एंड्रॉयड 12 के अंदर आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। और दोस्तों जो भी एंड्रॉयड 12 आने के बाद दोस्तों ओवरव्यू ज़रूर से मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में और एंड्रॉयड 12 के बारे में, और आपके फ़ोन में क्या आप एंड्रॉयड 12 चाहते हैं या फिर नहीं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो बनाया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।